हरे कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कल 2022 के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होनी है वो जिस सिलेबस पर आधारित रहेंगी वो सिलेबस कल जारी कर दिया है। उस सिलेबस को आप किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, इस वीडियो को देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जाने के लिए आप सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक सेक्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2021-22। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा वर्ष 2022 के लिए कक्षा 10 हेतु पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्यक्रम कक्षा 12 हेतु नवीन पाठ्यक्रम, कक्षा 9 और कक्षा 11 हेतु नवीन पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। इसमें लिखा भी हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण यह पाठ्यक्रम एवं अंक योजना वर्ष 2022 के लिए ही मान्य है। तो अगर हम कक्षा 12 का पाठ्यक्रम देखना चाहेंगे तो आप इस पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ जैसे ही ओपन होती है आपको विषयवार आपका जो सिलेबस है वो देखने को मिलेगा और इसके साथ ही आपको जो इसकी जो स्कीम है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, किस प्रकार से अंक होंगे और कौन सी विषय में उनका अंक विभाजन किस प्रकार से रहेगा, यूनिट्स क्या क्या होंगी, इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल सकेगी। तो ये तो था दोस्तों कि सिलेबस को आप किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। अब इस सिलेबस पर आधारित यानी कि आपको जो तैयारी करनी है उन पाठ्य पुस्तकों को आप कहाँ से पढ़ेंगे, किस प्रकार से आप उनका अध्ययन करेंगे, तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही बुक्स ओल्ड पेपर एंड मॉडल क्वेश्चंस के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पिछले जो वर्ष है उनकी सभी वर्षों की पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है बुक्स फॉर 2021 एंड 22। फिर आपके सामने ये लिस्ट इस प्रकार से खुलेगी और ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो 2022 में एनसीईआरटी ने जो पाठ्य पुस्तकें चला रखी हैं उन्हीं को राजस्थान बोर्ड ने भी अडॉप्ट कर लिया है। तो आप इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह आपको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर आप कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12 तक की किसी भी पाठ्य पुस्तक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कक्षा 12 को सिलेक्ट करेंगे। आपको अकाउंटेंसी की पाठ्य पुस्तक डाउनलोड करनी है तो आप अकाउंटेंसी पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी फर्स्ट, अकाउंटेंसी सेकेंड, लेखा शास्त्र फर्स्ट, लेखा शास्त्र सेकेंड, खातादारी उर्दू मीडियम की बुक, इस तरह से आप जो है अपनी पुस्तकों को डाउनलोड करके और उनका अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको अभी मार्केट में नई पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो 2012 से और 2017 तक राजस्थान में जो पाठ्य पुस्तकें चलती थी वही पाठ्य पुस्तकें उनमें अपडेट जरूर हुए हैं उनके डाटास में, उनके फिगर्स में, लेकिन पाठ्य पुस्तकें मूलतः वही हैं और सिलेबस भी लगभग लगभग वही है। तो आप उन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से तब तक अध्ययन कर सकते हैं जब तक कि आपको नई पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हो जाती है। और अगर आप मोबाइल में, लैपटॉप में आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की इस वेबसाइट से जाकर के, जो कि आपको अगर इसका डायरेक्ट लिंक नहीं मिल पाता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पे सुविधा दी हुई है आपको, बुक्स के सेक्शन में जाके आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिडायरेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको नया सिलेबस जो कि आपकी परीक्षा 2022 के लिए मान्य है और उस सिलेबस की तैयारी आप जिन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से करेंगे उनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप अन्य बिंदुओं पर जिन पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं उनके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम पूरा प्रयास करेंगे उन पर वीडियो बनाने का ताकि आपको उनके बारे में जानकारी मिल सके। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए
और इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे।